डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है तिलकुट खुरमा और बालूशाही को जीआई टैग। जल्द ही बिहार की प्रसिद्ध मिठाइयों को जीआई टैग मिल सकता है। इनमें खुरमा, तिलकुट और बालूशाही जैसी मिठाइयां शामिल हैं, जिनके आवेदन से जुड़ा प्रारंभिक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। इनके अलावा निम्नलिखित उत्पादों के लिए भी जीआई रजिस्ट्री द्वारा आवेदन स्वीकार किए गए हैं। इनमें शामिल है हाजीपुर की प्रसिद्ध चिनिया केले की किस्म, नालंदा की लोकप्रिय बावन बूटी साड़ी और गया के पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट। गौरतलब है कि भोजपुर के उदवंत नगर का खुरमा, गया का तिलकुट और सीतामढ़ी की बालूशाही भारत के साथ साथ विदेशों में भी लोकप्रिय है। बिहार के अन्य जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की बात करें तो इनमें शामिल है भागलपुर का जरदालू आम, करतनी धान, नवादा का मगही पान, मुजफ्फरपुर की शाही लीची और मिथिला का मखाना। बता दें कि हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है, जो अपने सुगंध और स्वाद के लिए बेहद फेमस है। जीआई टैग की बात करें तो जीआई टैग एक संकेतक है जिसका उपयोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली विशेष विशेषताओं वाले सामानों को पहचान प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत प्रदान किया जाता है। ये विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी ट्रिप्स के व्यापार संबंधित पहलुओं का भी हिस्सा है।